मल्लिकार्जुन खड़गे से पप्पू यादव ने मुलाकात की है। पूर्णिया से जीत के बाद ये पहली मुलाकात है। अगर आपको याद हो तो पप्पू यादव ने निर्दलीय पूर्णिया से चुनावी पर्चा भरा था और वहां से उनकी जीत भी हो गई। कांग्रेस से उन्होंने इस सीट पर लड़ने की मांग की थी, लेकिन उन्हें ये मांग उनकी पूरी नहीं की गई। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि पप्पू यादव अपनी जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं और जीत के बाद ये मुलाकात बहुत ही अहम, बहुत ही खास मानी जा रही है। भैया, जो देश के हालात हैं और परिस्थितियां हैं, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारी बहन जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस संघर्ष के साथ इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के जो आज देश के लोकतंत्र के और संविधान को बचाया है, ऐसे परिस्थिति में ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आगे भी लगातार निरंतर इंडिया गठबंधन को मजबूत कर इस देश को बचाने का। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके हमने यह सुनिश्चित किया कि एज ए एक सच्चे नागरिक होने के नाते और जो ब्लेसिंग पप्पू यादव पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का है, उस ब्लेसिंग और ट्रस्ट के साथ हम कांग्रेस को समर्थन, इंडिया गठबंधन को समर्थन दें।